अस्सलाम वालेकुम, सैफ खान हेयर एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। आज है ईद का पहला दिन और अभी टाइम हो रहा है 7:15। ईद की नमाज़ है 7:30 बजे। और सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। अभी जो है बस जल्दी जल्दी से तैयार होना है, 7 बजे को उठाना है और जो है ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है। उठ जा बेटा, 7:15 हो रहे हैं। चादर एहतियात। पढ़ ली है नमाज और एक शख्स मस्जिद से गायब था। यह आदमी कहाँ थे? मैंने अकेले पढ़ी। कहाँ पढ़ी सर? मस्जिद। ये बहुत देर से उठा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको उठाया 7:15 पे, लेकिन ये नहीं उठा हुआ। ये पता नहीं कहाँ पे नमाज पढ़ के आता है और अब नजरें चुरा रहा है, नजरें चुरा रहा है, नजरें चुरा रहा है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। गरे लग रहे हैं। और इसी के साथ आ गया सुबह का नाश्ता भी, तो जल्दी से नाश्ता करते हैं और सो जाते हैं। सो जाओ, रमजान खत्म हो गए। खाए खाइए, रमजान खत्म हो गए। तो भाई नाश्ता मेरा भी कर लिया है, तो जो है थोड़ा तो जो है अब सीन ये है कि हमने जाना था क्या नाम है एक जगह पर, लेकिन जो है वो अभी कैंसिल हो चुका है। और जैसे ही आप जानते हैं कि शैतान खुल गया है तो 7 बजे के गाने भी नहीं रुक रहे, तो बस अभी देखते हैं आगे के क्या दिन कैसा गुजरता है। कहीं जाना तो है नहीं, बस रात में खाने पर जाना और देखते हैं आगे कैसा गुजरता है। और मोहम्मद उबैद, आपको कैसा लग रहा है रोज़े जो है ख़त्म हो गए? तुमने क्या 30 रखे हैं पूरे? 30 नहीं, वो दो भी नहीं रखे, दो रखे इसने, पता है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6 तो रखे मैंने। और तुम लोग ने क्या किया सुबह से, क्या कर रहे हो? इधर आओ ना, तुम भी क्यों प्रेम से क्यों भाग रहे हो? नमाज पढ़ने गए जब हम आएंगे जब ईदी मिलेगी। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात। मैं भी दूंगा ना ईदी, सुबह ने दिया है ना, दुआएं दूंगा मैं। सही है, और कुछ चाहिए? नहीं, अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे। वैसे अमूमन होता ये था कि हमारे घर में पहले दिन ईद पर दावत हुआ करती थी ददियाल वालों की, मतलब हम सारे ददियाल वालों को बुलाते थे और जो है पहले दिन हम दावत देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो आज जब भी इतना बोरिंग दिन गुजर रहा है, लेकिन फिर भी अभी छोटे मामा आए हैं और ईद वगैरह मिलने। वैसे दूसरे दिन हम नाना के यहाँ जाएँगे कल, वो लोग ऐसे ही ईद मिलने आए हैं अभी, मामा और कज़न लोग। बाकी इंशाल्लाह कल जो है नाना के यहाँ जाएँगे और कल का दिन जो होगा वो वाकई फिर ईद का दिन होगा। तीसरा दिन मैंने कहा बिठा जाओ, कोई बुलाते ही नहीं इनको, तो देखो हीरोइन बन के आई हुई है। इस बार तो पूरा सी भी लेनी है। सही है, इस बार हमें इंशाल्लाह सही है, लॉग बनना चाहिए इसके लिए। तुम्हें दी ईदी किसी ने? ईदी दी किसी ने? मम्मा ने दी है। मम्मा कुछ क्या बोला? क्या कह रहा है? ब्लैक पिंक के शॉर्ट्स आ रहे हैं मुझे। मुनी मत, मुनी बता, मुनी तुम ब्लैक पिंक देख के? नहीं ये लोग बात कर रहे थे ब्लैक पिंक की, मैंने बोला 7 बजे रुक जा, रिकॉर्ड करता हूँ, सुना अंदर कमरे में लेकर आऊँ। और जैसे लेकर आए करिए अपनी बात से। देखो एक मिनट, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई नहीं देख रहा, तुम बता दो। बता दो, कोई नहीं देख रहा, ये तो वीडियो बना दे। ब्लैक पिंक का डांस देखते? अभी 12:15 और अभी तक सिर्फ 12 ही बजे हैं, तो अभी जो है जैसे कि गर्मी बहुत है तो मैं जा रहा हूँ सोने, तो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं शाम में। तो भाई इसी के साथ टाइम हो गया 9:30 और अभी जो है बस हम लोग निकल रहे हैं। ये लोग कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं, पागल हो और बस निकल रहे हैं, तो सीधा मिलते हैं रेस्टोरेंट। तो यार यहाँ पर पहुँच गए हैं और आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स तो बंद हैं, देखते हैं अभी खाने को क्या मिलता है।
सुबह खाना फाइनली आ गया। खाने में हम लोग ने चिकन मंगाया है और बाकी मामा पापा ने जो है मलाई बोटी और टिक्का वगैरह मंगा सकते हैं। A few moments later. तो भाई खाना वगैरह खा लिया है और फारिग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बस जल्दी जल्दी घर जाते हैं और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। अच्छा गाड़ी में सोने वाला शख्स क्या बोल रहे। तो भाई आ गए हैं घर और इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं जैसे कि लाइट नहीं है। तो लाइक करें, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, चैनल भी करते हैं यहाँ से हमें। तो आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं कल। और बाकी ईदी वगैरह भी अभी किसी ने नहीं दी है। हाँ कल वो लोग सब इंशाल्लाह कल ही है। हम ईद का डे तो असल क्योंकि नानी का जाना है। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अल्लाह हाफिज़।